हेलो गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आपकी संपदा यमुनोत्री से आपका स्वागत करती हूँ। और आज से जो है मेरी यात्रा जो है वो स्टार्ट हो रही है। सो अभी जो है 6 किलोमीटर का ऑलमोस्ट 3 to 5 hours लगेंगे हमें चलने के लिए। और यहाँ से जो है ये मैं मेरा भी ट्रैक स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, मॉर्निंग तक के क्लाइमेट क्लियर था, लाइक सन था, लेकिन अभी बारिश चालू हो गई। सो क्लाइमेट का जो है यहाँ पे कुछ बता नहीं सकते हैं, मेरे कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, लेकिन ऊपर जो है वो पूरा स्नो है। और आप यहाँ से व्यू देख सकते हो, वो आगे हमारा बस स्टॉप है, आगे की बिल्डिंग में हम स्टे कर रहे थे। काफ़ी बेसिक कैटेगरी के होटल है यहाँ पे, क्योंकि हम यात्रा के लिए आए हैं। सो हमें जो है वो एडजस्ट थोड़ा करना पड़ता है, यहाँ पे लग्जरी फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। आप देखिए आगे बस स्टॉप है, और आपको मैं व्यू दिखाती हूँ यहाँ से। और ठंडी भी बहुत ज़्यादा है, 9 degree टेम्परेचर है, ऊपर पूरा स्नो। सो लेट्स गो। सो अभी जो है मैं मेरा ट्रैक यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, और काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो एक 4 घंटे पकड़ के, 3 घंटे चलते हैं, लेकिन अगर आप आराम से चल रहे हो तो 4 घंटे लगेंगे। ऊपर पूरा स्नो है। सो यहाँ से जो है, जय माता को, जय माता दी। सो जय माता दी। सो यहाँ पे जो है ऐसे डोली, खच्चर, घोड़े सब, अगर आपको चल नहीं सकते हो, अगर आपको ट्रैकिंग नहीं करना है, तो आप जो है ये ऑप्शन भी ले सकते हो। सो यहाँ से जो है मेरी यमुनोत्री की जर्नी स्टार्ट हो रही है। अंदाज है कि 4 घंटे में हो जाएगा हम, लाइक 4 घंटे में हम ऊपर पहुंच जाएंगे। सो मैं आपको दिखाती रहूँगी कि लाइक कैसा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। और ऊपर जो है वो स्नो हो रहा है, और बारिश भी हो रही है, ठंड भी काफ़ी है। सो बस हिम्मत बनाए रखना है। हर हर महादेव। तो अभी मैं यमुनोत्री का ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। ऑलमोस्ट अभी मुझे 2 घंटे हो गए चल के, और आई थिंक और 2 घंटे लगेंगे। काफ़ी स्लो चल रहे हैं, और व्यू का इंजॉय कर रहे हैं व्यू। सो आप भी देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, और मज़ा आ रहा है। बारिश भी रुक गई है, थैंक गॉड। बारिश नहीं होना चाहिए, क्योंकि बारिश आई तो थोड़ा सा तकलीफ होता है, लाइक पोंचो पहन के चलने का, ऊपर से बारिश और ठंडी हवा भी स्टार्ट हो जाती है। सो बारिश आई तो थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन तो भी हम रुकते नहीं है। ओ
काफ़ी ज़्यादा जो है यात्री आए हैं यहाँ पे। गर्दी तो बहुत है, रास्ता भी काफ़ी खूबसूरत है यहाँ पे। एक बार तो भी विजिट करना चाहिए आपने। व्यू जो दिखता है ना क्लास है, और ज़्यादा स्टीप भी नहीं है, आराम से आप एंजॉय करते करते जो है वो चल सकते हो। मेरे ऊपर जो आपको रास्ता दिख रहा है, अभी यहाँ से जाना है, ये ब्रिज क्रॉस करना है, और उसके बाद जो है उधर पूरा वहाँ से ऐसे ऊपर चढ़ाई स्टार्ट होगा। काफ़ी ज़िगज़ैग रास्ता है, आई डोंट नो यहाँ से दिख रहा है कि ए संजीव, ये देखिए ये रास्ता ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा है, वो पूरा ऊपर और ऊपर और ऊपर ऊपर स्नो है। हेलो दोस्तों, सो अभी जो है मुझे एक दो तीन घंटे हो गए हैं चल के, और एक घंटा चलना है, और लास्ट का जो एक घंटे का यमुनोत्री के लिए जो ट्रैक है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, क्योंकि पूरा ज़िगज़ैग है। आप ये देख सकते हो नीचे, ये पूरा ऐसे ऊपर आके, और आगे देखिए ये पूरा ज़िगज़ैग है और पूरा स्टीप है। और हमारे एज के यंगस्टर तो कम ही दिख रहे हैं, लाइक 25 to 30 के एज में है, लेकिन कम है, और ज़्यादातर के सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीज़न है यहाँ पे। हैट्स ऑफ तो सीनियर सिटीज़न, लाइक हमारी इतनी सांस फूल रही है तो उनकी क्या हालत होती होगी। आप यहाँ से जो है देख सकते हो, और ऊपर चलना है। सो और एक दो घंटा बाकी है, थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है चलने के लिए, क्योंकि घोड़े बहुत आ रहे हैं और बीच में रुकना पड़ रहा है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा रश है। व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है और हम एंजॉय कर रहे हैं। पीछे से घोड़े आ रहे हैं मेरे, और बहुत चलना है आप देख सकते हो, काफ़ी डिफिकल्ट नहीं है, बस हम कर लेंगे। धीरे धीरे चलते रहिए, चलते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। हाय, अभी जो हूँ मैं यमुनोत्री की ओर निकल पड़ी हूँ, दो तीन घंटा हो गया है, और अभी हम जो है पीछे मेरे आप देख रहे हो भैरवनाथ मंदिर। सो सबसे पहले ये लगता है भैरवनाथ मंदिर, यहाँ पे दर्शन लेके
और हम आगे जाएंगे। जय घोड़े काफी है यहाँ पे, चलने में दिक्कत होती है। अभी जो है यहाँ से 1.25 किलोमीटर बाकी है, नज़दीकी है बट स्टीफ है काफ़ी रास्ता। अब मेरे पीछे वैली देख सकते हो, पूरा चल के आई हूँ अभी। ओह माय गॉड, अभी सिर्फ 500 मीटर बाकी है यहाँ से। अंकल जी, घोड़े जी, बट मैं थक गई हूँ बहुत, सांस फूल गई है लेकिन हिम्मत नहीं आ रही है, तो बस चलते रहना है, चलते रहना है। अभी बस पहुंच ही गए हम, मुझे जो है नहीं, ये मेरे साथ ये इडियट भी है एक तो जस अभी मैं ये तो नहीं बोल रहा ना, ब्लॉग आरम्भ करना। अभी मैं पहुंच गई हूँ आगे, बस मुझे अभी यमुनोत्री का जो है मेन टेंपल दिख गया है, सो आपको भी दिखाती हूँ। आई होप ये दूर से दिखेगा, काफ़ी अच्छा खूबसूरत व्यू है यहाँ से। नहीं सॉरी, अभी यमुनोत्री जो है, आप यमुनोत्री धाम में आपका स्वागत है। यमुनोत्री 200 मीटर देखिए, और वो देखिए आगे वो है माँ यमुनोत्री मंदिर। और बस हमें जो है अभी यहाँ से वहाँ तक ही जाना है, सो काफ़ी अच्छा लग रहा है, चलते हैं। प्रकट हुई है यमुना मैया, जैसे जैसे गंगोत्री में गौमुख है ऐसे ये यमुना मुख है यहाँ पे। यहाँ पे जो है जयमुनि नाम की, जैसे भगीरथ दादाजी गंगा जी को लाए हैं ना, ऐसे जयमुनि नाम के ऋषि ने इस स्थान पे यमुना मैया को लाए हैं, जिसके लिए आप लोग इतना दूर आए हैं। श्यामवरण में यमुना मैया है, श्वेतवरण में गंगा मैया, बीच में जो चांदी वाला मूर्ति है, यमुना मैया का उत्सव मूर्ति, जब 6 महीना का पाठ बंद होता है तो ये चांदी वाला मूर्ति डोली में जाता है बीच वाला, कैसे पढ़ाते कैसे परिक्रमा करो। हेलो दोस्तों, सो अभी मैं माँ यमुनोत्री का दर्शन लेके अभी पूजा के लिए बैठूंगी, सो अभी मेरी पूजा चलेगी। अब सुन लीजिए यहाँ का महात्म, यमुना मैया जो है सूर्य भगवान की पुत्री है, यमुना मैया जो है सूर्य भगवान की पुत्री है, यमुराज और शनि महाराज की बहन है, यमुराज और शनि तो कहा गया है तत्र दिव्य शिला नाम स्पर्शान मुक्तिदायिनीम कलो धर्म विहीनायाम पूजा कुर्वन्ति मानवा। कलयुग का
जो भी प्राणी मेरी दिव्य शिला को स्पर्श करेगा, मेरी दिव्य शिला पे भेंट रखेगा, मेरी दिव्य शिला पे पूजा करेगा, उसके जो है जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। माता जी की दो धारा, एक तो जो शीतल धारा ठंडी धारा बह रही है, एक गर्म धारा यहाँ से प्रकट हुई है, जहाँ पे आपने दर्शन किया है अभी, स्पर्श किया है, गर्म धारा वहाँ से प्रकट हुई है। तो यमुना मैया ने जो है अपने पिताजी सूर्य देव से कहा, पिताजी दुर्गम पर्वत शिखर निवासी दुर्गति नाशिनी सूर्य सुते, मैं ऐसे दुर्गम स्थान पर रहने वाली हूँ, लोग श्रद्धालु मेरी यात्रा से दूर दूर से आएंगे, खा के क्या जाएंगे, कैसे भूखे जाएंगे। तो सूर्य भगवान ने जो है अपने बेटी को एक किरण का वरदान दहेज के रूप में दिया है। यमुनाया पूर्व भागे सु सूर्य कुंडान स्मृतम, यमुना के पूर्व भाग में सूर्य कुंड जहाँ पे आपने दर्शन किया है अभी, उसके बराबर में अभी दिखाऊंगा मैं, सूर्य कुंड है उसमें चावल बनेगा, उसमें दाल बनता है, आलू बनता है, पूरी बनता है। जब यहाँ पे बरसों साल पहले होटल उटल कुछ नहीं हुआ करते थे तो लोग अपने घर से लाते थे, चावल हुआ, आटा हुआ और दाल चावल जो मतलब बना करके अपने ग्रहण कर लेते थे। सूर्य भगवान ने कहा, बेटी तेरे स्थान पे जो मन से और श्रद्धा लेके आएगा वो भूखा कभी नहीं जा सकता। बोले यमुना मैया की जय। पहले लेफ्ट टर्न करना सब लोग, लेफ्ट टर्न करना सब लोग। यमुनोत्री का दर्शन हो गया है, अभी जो है मैं ये गंगा जल भरने के लिए जो है इसके इतने पास खड़ी हूँ, थोड़ा डर लग रहा है बट इट्स ओके, अब व्यू एंजॉय कर सकते हो। हर हर गंगे, जय माँ यमुनोत्री, जय अस्तु श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती राज राजेश्वरी आई साहे, बोल अम्बा माता की जय, बोल अम्बा जैसा पानी था, पर हाथ थोड़ी देर के लिए नीचे डाला और पैर तो सुन हो गया, सुन